माननीय श्री श्री कैलाश चौधरी जी, आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर युवाओं के अंदर जोश है, सबने इस धारा को हटने की सराहना की है। और इस धारा के हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर वास्तव में जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी 1947 के बाद में, तो आज पहली बार उन सबको ऐसा लग रहा है कि हमें आज़ादी मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब रोज़गार मिलेगा यहाँ पर, और बाहर से उद्योग भी यहाँ पर आएंगे। और ज़मीन जाने की जो बात कर रहे हैं वो अलगाववादी विचारधारा के लोग हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे प्रदेश भी हैं जिन प्रदेशों के अंदर वहाँ के स्थानीय युवाओं को ही रोज़गार मिलता है, कोई ज़मीन नहीं जाती है। आज हमारे वहाँ पर भी उद्योग लगे हुए हैं, हर प्रदेश चाहता है कि हमारे यहाँ पर उद्योग आए। जब दूसरा उद्योग आएगा तभी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है, और आने वाले समय के अंदर इन युवाओं को यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा और जम्मू कश्मीर का विकास भी होगा। और जम्मू कश्मीर जो इतने समय तक सिर्फ 3 परिवारों को लाभ मिल रहा था, अब गरीब जनता को भी इसका लाभ मिलेगा।